बात जो ये कहा जा रही है, जो शहबाज शरीफ साहब वाला वाकया बताया, शहबाज साहब के तो वो लोग अगले दिन वोटर थे, वो तो टिकटॉक या वीडियो क्लिप बनाने वाला का हाथ की सफाई है कि उसने उस वाकये को जोड़ तोड़ के पेश किया, और अगले दिन वो सारे लोग शहबाज शरीफ साहब के पास आए हुए थे और वो मुतालबा था उनका, कोई मसला था। और तीसरी बात ये रह गई कि मकबूलियत, मकबूलियत पूरे पाकिस्तान ने देख ली है, जो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हुआ है ये तारीखी इस्तकबाल हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान पूरे में नहीं हुआ आज तक, जितना बड़ा नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से सारे लोग सामने आए। और हम यही लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते थे कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अमली सियासत में भी आना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर आके पार्टी को लीड करना चाहिए। अब जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए, और आपको पता है कि जिस तरीके से जो वोट बैंक है पीएमएलएन का, वो नवाज शरीफ साहब के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हमारी मकबूलियत जो है, हम तो बड़े कॉन्फिडेंट है, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी फॉरेन इलेक्शंस कराएं,